आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। खबर महोबा की है, जहां महोबा में बीते 48 घंटे पूर्व हुए 2 करोड़ की चोरी में आज फिर एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर सोने की बरामदगी के क्रम में फिर से पीली धातु बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। साथ ही आपको बता दें कि व्यापारी संदीप साहू के घर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 98 लाख रुपए की नकदी सहित 75 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए थे। चोरी की शिकायत मिलते ही महोबा पुलिस जिले की SP अपर्णा गुप्ता ने मामले की गंभीरता से देखते हुए तत्काल 12 से अधिक पुलिस टीमों का गठन कर इसे इस काम में जोड़ दिया। वहीं महज 12 घंटों में पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया था। आज फिर पुलिस ने 159 ग्राम पीली धातु को बरामद किया। पुलिस ने मनोज कुमार नामक आरोपी को पड़ोसी जिले हमीरपुर के राठ क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई से व्यापारी संदीप साहू ने राहत की सांस ली है। आप लोगों को विदित है कि परसों कोतवाली में एक बड़ी चोरी का मुकदमा लिखा गया था, जिसका अनावरण हमने कल किया था, जिसके अंदर 92 लाख कैश व 470 ग्राम पीली धातु बरामद हुआ था। इसी का इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रहा था, जिसके क्रम में आज हम लोगों ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 159 ग्राम पीली धातु रिकवर हुआ है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें इनको मिलाकर 5 अभियुक्तों को जो है अभी तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। 92 लाख कैश कल रिकवर हो गया था व 470 ग्राम पीली धातु, आज 159 ग्राम और रिकवर हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।